हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं इंफोसॉफ्ट। आज के वीडियो में बात करेंगे कि आपके पास अगर एप्सन का कोई प्रिंटर है और उसमें इस तरह की रेड लाइट आ रही है, इसका मतलब है कि सर्विस रिक्वायर्ड की प्रॉब्लम है। यानी कि इस सॉल्यूशन को कैसे करें, इसका सॉल्यूशन कैसे करें। यानी कि आपके पास अगर, आज मैं बात करूंगा एक प्रिंटर 3110 के बारे में, जो 3110 की सीरीज में आते हैं, उस प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि ये प्रिंटर में क्या प्रॉब्लम है, ये चेक करने के लिए आपको नीचे टाइप एयर पे सर्च करना है प्रिंटर। तो प्रिंटर को खोलना है और यहाँ पे चेक करना है मैनेज। मैनेज में यहाँ प्रिंटर परफॉरमेंस में जाना है और मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस में स्टेटस मॉनिटर 3। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तब आपके अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, सर्विस रिक्वायर्ड, ए प्रिंटर इंक पेड इज द एंड ऑफ इट्स सर्विस लाइफ, प्लीज कॉन्टेक्ट एप्सन सपोर्ट। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है, इसका मतलब आप ये वीडियो सही देख रहे हो, यानी कि आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आप देखिए, आप ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इसका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। वो कहाँ से मिलेगा, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे कि ये वीडियो है, इस वीडियो के नीचे जैसे डिस्क्रिप्शन होता है ना, हेलो नीचे दोस्तों, नमस्कार। डिस्क्रिप्शन, मेरा यहाँ नाम पे है प्रकाश आपको और आप उसका देख लिंक रहे हैं दिखाई देगा। इन्फो। तो आपको इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। मैं इसका यहाँ से जैसे ऐसे डाउनलोड करना है, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। ये दोबारा इस पे क्लिक किया मैंने, ये डाउनलोड हो गया है नीचे। अगर यहाँ पे डाउनलोड नहीं होता है और इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है, यहाँ डेंजरस कॉन्टेक्ट वगैरह कुछ बताता है, तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग ओपन करना है। और सेटिंग के अंदर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पर आपको नो प्रोटेक्शन मोड को ऑन कर देना है। फिर आपको उस सॉफ्टवेयर को दोबारा डाउनलोड करना है, डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि ये मेरे अभी डाउनलोड हो चुका है, तो ये डाउनलोड हो गया है। अब डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले आपको प्रिंट जो विंडो है उसका सिक्योरिटी ऑप्शन को ऑफ करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है विंडो, नीचे विंडो बार में विंडो सिक्योरिटी ऊपर आ जाएगा। विंडो सिक्योरिटी में जाके आपको यहाँ अकाउंट प्रोटेक्शन के ऊपर दिखाई देगा, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। कहाँ पे, यहाँ पे लिखना है विंडो सिक्योरिटी, उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको मैनेज सेटिंग दिखाई देगा, वहां पे रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर देना है। यहाँ यस कर देता हूँ, ये हो गया ऑफ। ऑफ होने के बाद में आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था उसको एक्ट्रेस फाइल करना है। अब यहाँ पे मैं करूंगा एक्ट्रेस फाइल। यहाँ पे पूछेगा पासवर्ड, जो पासवर्ड आपको मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, या स्क्रीन पे कहीं पर भी लिखा हुआ दिख जाएगा पासवर्ड, वो आपको पासवर्ड इधर लिखाना है। हालांकि मैं इधर अभी लगा देता हूं पासवर्ड। ये मैंने पासवर्ड लगा दिया, आपको स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा आगे। फिर यहाँ पे आपको इस फाइल को ओपन करेंगे तो एक तो होगी कीजन और एक है एप्सॉन का, जिसमें एप्सॉन का सॉफ्टवेयर पड़ा है एडजस्ट रिसेटर। तो आपको सबसे पहले ऊपर वाला फाइल खोलना है, उसके बाद में एडजस्ट प्रोग्राम को रन करना है। मैं इसको रन कर देता हूं। जैसे ही रन करूंगा यहाँ पे की आएगी, ओके करते ही कॉपी हो जाएगी। आपको आना है बैक, आपको कीजन को खोलना है और सबसे नीचे सॉफ्टवेयर दे रखा है, एक प्रोग्राम है, इसको रन करना है। यहाँ लाइसेंस मैनेजर पर क्लिक करना है, एड लाइसेंस करना है। यहाँ पे आपको जो कॉपी हुआ है उसको पेस्ट कर देना है। मैंने कर लिया है, नीचे दोनों चेक बार ओपन कर दो। यहाँ पे क्योंकि
किसी एक डेट को आगे वाले मंथ को सेलेक्ट कर लो किसी भी डेट को और ओके। और यहाँ सेव करते ही एक अलग फाइल बन जाएगी, यहाँ क्रिएट करते ही एक फाइल बन जाएगी, ये फाइल बन गई है। और यहाँ से आपको कुछ नहीं, अंदर से जो डेटा है वो कॉपी करना है। मैंने कॉपी कर लिया, मैं आ गया बैक। बैक आने के बाद जो ऊपर वाली फाइल थी उसमें आपको सिंपली पेस्ट कर देना है, यानी रिप्लेस हो गया डेटा और यहाँ ऊपर वाला फाइल को खोलना है। मैंने अभी इसको खोल दिया है, इसको ऑटो सिलेक्शन मोड पे रहने देना है, पार्टिकल एडजस्टमेंट मोड को क्लिक करना है और वेस्ट इंपेयर्ड काउंटर को ओके करना है। फिर यहाँ दोनों को चेकबॉक्स क्लिक करना है और यहाँ सबसे नीचे वाला चेक के नीचे है यहाँ पे ओके करना है और फिर ओके। यानी कि मेरा प्रिंटर अभी ऑफ है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। मैंने ऑन कर लिया है मेरा प्रिंटर। मेरा प्रिंटर ऑन हो गया है, तो मैं अभी ऑन होने के बाद में यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये हो गया, यानी कि प्रिंटर सही हो गया 100% गारंटी के साथ प्रिंटर सही हो गया है। फिर आपको प्रिंटर को एक बार बंद करके चालू करना है। मैं एक बार प्रिंटर को बंद कर देता हूं और वापस से चालू कर देता हूं, ये ओके, प्रिंटर चालू हो गया है। और आपको कुछ नहीं, यहाँ से फिनिश करके प्रीवियस में आके क्यूट कर देना है, बाहर आना है और प्रिंटर को वापस जाके चेक करना है, प्रिंटर परफेरेंस मेंटेनेंस क्लिक करेंगे, यहाँ आपको रेडी दिखाई दे देगा। अभी प्रिंटर स्टार्ट हो रहा है, रेडी दिखाई दे देगा। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो देख के आपका प्रिंटर सही हुआ है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाना। ओके, थैंक यू।